नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की घोषणा, स्कूल बंद, केंद्र ने दिया सहायता का आश्वासन। लगातार बारिश के कारण श्रीनगर में झेलम नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में बाढ़ की स्थिति की घोषणा कर दी। भारी बारिश के कारण अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर के मुख्य इंजीनियर के अनुसार सुबह 7 बजे तक मुंशीबाग और संगम में झेलम नदी में जलस्तर खतरे के निशान से क्रमशः 18 फुट और 22 फुट को पार कर गया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कर्मियों और मशीनों को लगा दिया है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से तैयार शिविरों में जाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति के आकलन तथा सभी तरह की सहायता के लिए राज्य प्रशासन के साथ समन्वय के लिए अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को जिम्मा सौंपा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में आई बाढ़ राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे भीषण बाढ़ रही, जिसके कारण घाटी में भारी नुकसान हुआ था। यूपीपीसीएस की परीक्षा रद्द। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का पहला पर्चा लीक होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स की जांच रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि पर्चा लीक होने के मामले में गिरफ्तार 3 लोगों से पूछताछ जारी है। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली इस परीक्षा में कुल 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पहली पाली की परीक्षा से बाहर निकलने पर जब अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र लीक हो जाने की खबर मिली तो उन्होंने राजधानी के अलीगंज स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा इलाहाबाद, कानपुर एवं अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। राष्ट्रपति ने महामना पंडित को भारत रत्न से और कई अन्य को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। प्रख्यात शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत सोमवार को देश के शीर्ष नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मालवीय के परिजनों को भारत रत्न प्रदान करने के साथ ही भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित कई लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, विख्यात वकील हरीश सालवे, पत्रकार स्वप्न दासगुप्त एवं रजत शर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आठ शिया मुसलमानों के सिर काटे। कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें इसके आतंकियों ने शिया मुसलमान माने जाने वाले 8 लोगों का सिर कलम करते दिखाया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को पोस्ट किया गया। आईसीसी विश्व कप एकादश में एक भी भारतीय नहीं। आईसीसी की विश्व कप एकादश में किसी भारतीय को जगह नहीं मिल सकी है, जबकि ब्रेंडन मैकुलम की अगुवाई वाली इस टीम में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की बजाय न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा है। आईसीसी टीम में न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और मॉर्नी मॉर्कल के अलावा श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा को टीम में जगह मिली है। 6 मैचों में 433 रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर 12वें खिलाड़ी हैं। पैनल के अध्यक्ष रहे आईसीसी महाप्रबंधक जॉब अलार्डिस ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव, मोहम्मद शमी और ऑफ स्पिनर अश्विन चयन की दौड़ में थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।